दुर्ग में एस्ट्रोटर्फ मैदान बनाए जाने मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी अब तक उस पर कोई पहल नहीं की जाने से मायूस हॉकी संघ के पदाधिकारियों ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान की घोषणा कर दुर्ग में हॉकी खिलाड़ियों के लिए सौगात दिए जाने के बावजूद अब तक उस पर किसी किस्म की गतिविधियां आगे न बढ़ता देख दुर्ग जिला हॉकी संघ के पदाधिकारियों ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर दुर्ग कलेक्टर से मुलाकात कर चर्चा की और इस जानकारी दिए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। और तलब है कि खेल जगत से जुड़े खेल प्रेमियों के लिए वर्षों पुरानी मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दुर्ग के पुराने गंज मंडी में आयोजित सभा में जिला हॉकी संघ दुर्ग तथा जन समुदाय द्वारा इस तरह की मांग की थी कि जिस पर स्वीकृति देते हुए मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा भी की थी, जिसके बाद अब तक इस संबंध में किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जाने से छत्तीसगढ़ हॉकी तथा जिला हॉकी संघ दुर्ग इस संबंध में जानकारी लेने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, मुलाकात भी की। इस संबंध में न्यूज टीम के समक्ष पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 40 सालों में हॉकी हो रही है दुर्ग में, जिसमें से कई इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर निकल चुके हैं, जिसको लेकर दुर्ग जिला हॉकी संघ लगातार 10 सालों से संघर्ष में कि दुर्ग में एस्ट्रोटर्फ लगे, जिसको माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकार करते हुए घोषणा की थी। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक जिला हॉकी संघ को कोई पत्र व्यवहार, कोई सूचना नहीं मिली, जिससे चिंतित जिला हॉकी संघ अपने प्रदेश परिवार को लेकर आज कलेक्टर से मुलाकात के लिए पहुँचा था और इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करने का भी कलेक्टर साहब ने निवेदन किया है। हम लेकिन इस देरी को अब गंभीरता से लेते हुए आगामी प्रोग्राम की रूपरेखा तय कर चुकी है हमने, और जिला प्रशासन का हम इंतजार कर रहे हैं कि वो किस तरह इस प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी करें, नहीं तो हम अन्यथा आगे की ओर अग्रसर होंगे कि हमारे को इस मांग को पूरी कराना है। कि वर्षों पुरानी मांग थी एस्ट्रोटर्फ की, जिसकी घोषणा पूर्व में 22 अप्रैल को यहाँ पर दुर्ग में आयोजित गंज मंडी में विशेष आम सभा में मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल द्वारा की गई है। घोषणा पर अमलीजामा पहनाया जाए, इस मांग को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश हॉकी संघ दुर्ग जिला हॉकी संघ के साथ मिलकर यहाँ पर कलेक्टर से मिलने आया था, ज्ञापन देने आया था। ज्ञापन में हम लोगों ने मांग की है कि इस पर शीघ्र अमल की जाए और इस कार्य को मूर्त। रैनी सीन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।